भेजा है मेरे फ्रेंड ने। अरे मैक्रो फोटोग्राफी मैंने इसमें करी थी, अच्छा व्लॉगिंग करते हुए या फिर ट्रैवलिंग। साइड में जो है इसमें टाइटेनियम का बॉर्डर है जैसे आप देख सकते हो। दिस इज एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, वन मोर व्लॉग ऑफ डिजिटल फौजी। आज का कोई व्लॉग नहीं है फ्रेंड्स, आज जो है रिव्यू करने जा रहा हूँ कुछ फोन्स को। एक स्पेशल फोन जो है आज मंगाया है मैंने, जो कि बहुत लिमिटेड है हमारे इंडिया में, इस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, बट मैंने मंगाया है यूएसए से अपने फ्रेंड से। दैट इज आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 GB डेजर्ट टाइटेनियम कलर में। तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसका फ्रेंड्स ये है 16 प्रो मैक्स का बॉक्स जो मैंने मंगाया है यूएसए से। इसमें जो है डलती नहीं है, फिजिकल सिम होती है इसमें नहीं डलती, इसमें डलती है सिर्फ ई सिम। लेट्स सी, यहाँ भेजा है मेरे फ्रेंड ने। अरे इसके अंदर तो कोई घटिया सा फोन पुराना वाला भेज दिया है लगता है। जस्ट किडिंग गाइस, पुराना फोन नहीं है, नया फोन ही है, वो पहले ही निकाल चुका हूँ। और इसको करते हैं एक तरीके से अनबॉक्स। इसमें जो है मॉर्निंग में ही मेरे पास पहुंचा था, कुछ इस तरीके का जो है ये फोन दिखता है। एक क्लोजअप आप देख सकते हो इसका, डेजर्ट टाइटेनियम जो है इस तरीके का कलर है, विच लुक्स अमेजिंग। साइड में जो है इसमें टाइटेनियम का बॉर्डर है जैसे आप देख सकते हो। दिस इज स्विच ऑफ और ऑन करने का बटन, ये वाला है जो नया बटन एप्पल ने दिया है, विच इज बेसिकली यूज फॉर कैमरा कंट्रोल्स। बाकी बेसिक आईफोन के बटन्स है, कुछ इस तरीके से जो है ये हमारा आईफोन दिखता है। मॉर्निंग में ये आया था, मैंने इसमें ईसिम जो है कन्वर्ट करा दी अपने पुराने फोन से, विच इज सिमिलर। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, अभी देख रहे हो आप 15 से, आईफोन 15 से, नॉर्मल 15 से ये शूट हो रहा है। और ये शूट हो रहा है आपका 60 FPS पे शूट हो रहा है, 4K 60 FPS पे। सेम वीडियो जो है एक बार मैं आईफोन से भी शूट करूंगा, इसी को कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम देखेंगे 15 के बारे में। तो 16 के बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है आपके, आपको बेसिकली इसमें एक डेटा केबल मिलती है C2C टाइप की, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। इसका जो इंडिया में प्राइस है दैट इज 1,45,000, बट USA में विद टैक्स दिस इज फॉर 1,10,000। जो अभी तक मैंने सुबह से लेके अभी तक इस्तेमाल किया है, मुझे इसकी एक तो फर्स्ट थिंग बैटरी बैकअप, सुबह से अभी तक सिर्फ 10-12% यूज़ हुआ है, नॉर्मल यूजेज किया है मैंने, कुछ म्यूजिक इतना नहीं चलाया है। उसके अलावा बेसिक फ़ोन है, कैमरा क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वीडियो में भी आपको पता लग जाएगा। बट कुछ फ़ोटोज़ जो है मैंने इसमें ली है, फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ऐसे देखते हो तो आपको कैसी लगती है वो फ़ोटोज़, आप यहाँ देख सकते हो। मैक्रो फोटोग्राफी मैंने इसमें करी। फोन है, हाइप है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स है, 3 कैमराज है। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आप ऑब्वियसली कैमरा यूज़ करते हो, तो आप DSLR या फिर मिररलेस यूज़ करोगे। बट अगर आपको व्लॉगिंग का शौक है तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट दिस फोन इज़ रियली गुड। बट नॉर्मल यूसेज के लिए आईफोन 15 भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आईफोन ने जो है अपनी तरक्की करी है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रहा था। ये है 15 का बॉक्स, जो इसके बाद हम देखेंगे कि 15 कैसा फ़ोन है। मुझे तो 15 पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा ये था एप्पल का 6, काफ़ी टाइम पहले आता था, 10 साल पहले आता था, 40,000 रुपये का फ़ोन था। दिस वाज अगेन वेरी गुड, काफ़ी लोगों को पसंद था ये। तो एप्पल ने यहाँ से लेके जो है यहाँ तक जो तरक्की करी है ये आपके सामने है। कैमराज भी आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है एप्पल, दिस इज़ रियली गुड। और 12 मिनी जो बहुत लोग यूज़ करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैंडी फ़ोन है। तो अब थोड़ा म्यूज़िक देखते हैं कि भाई म्यूज़िक कैसा। ये सोनी के मैंने मंगाए थे, दीज आर आई थिंक 720H हेडफोन्स, कॉस्टिंग अराउंड 9500 के है। इसमें जो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी है, प्लस 360 सराउंड भी साउंड इसमें होता है। तो लेट्स सी कि भाई कैसा परफॉर्म करते हैं एप्पल के साथ। कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई, इसमें सिंपल यू नीड टू डबल क्लिक दिस, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और ब्लूटूथ आपको कर देना है ऑन, यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर कनेक्टेड। अब लेट्स सी कि ये कैसे है। साउंड इज रियली गुड,
यू कैन हियर द साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इवन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, तो आसपास जो फैन वगैरह चल रहे हैं उसकी आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही है। गुड, तो ये थे हमारे सोनी के हेडफोन्स, अब टेस्ट करते हैं, इससे शूट करते हैं और देखते हैं 15। A few moments later. So friends, this is 15, normal 15. And अभी Big Billions Day पे ये आपको पड़ा है, पड़ेगा अगर आपने लिया होगा तो 51, 52 का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट के बाद आपको पड़ जाएगा बहुत इजीली 48, 49 के करीब का। तो बेस्ट फोन जो है मुझे लगा है ये अभी तक का प्राइस के हिसाब से। डिसेंट कैमरा, डिसेंट वीडियो रिकॉर्डिंग, डिसेंट बैटरी बैकअप, और UI की बात करें तो दोनों का एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और दो उसमें 120 का रिफ्रेश रेट है, इसमें 60 का है, पर इतना मैटर नहीं करता, वो दोनों सेम सेम ही लगते हैं जब आप इसको चलाते हो। बाकी कुछ इस तरीके से सेम आप देख सकते हो, उसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं, जैसे वो काम करता है वैसे ये काम करता है। कैमरा क्वालिटी की बात करें इसके तो कुछ इस तरीके से जो है कैमरा दिखता है। बस हाँ, ये मैक्रो फोटोग्राफी को सपोर्ट नहीं करता, बट कैमरा वीडियो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है इसका वीडियो दिखता है। सो जो क्रक्स है इस वीडियो का सिर्फ ये है कि हाइप पे मत जाओ। ऑल्दो अगर आप अच्छा व्लॉगिंग करते हो या फिर ट्रैवलिंग का शौक रखते हो, रील्स डालते रहते हो, तो यू कैन गो फॉर 16 प्रो मैक्स या फिर किसी भी प्रो मैक्स में अगर आपको जाना है। उसके अलावा इफ यू वांट टू यूज अ गुड फोन जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो नो डाउट 15 इज द बेस्ट फोन जहाँ तक मेरा मानना है, बाकी इट इज ऑन यू। ये था मेरा फोन पहले जो आई वॉज यूजिंग फॉर लास्ट 3.5 to 4 years। अभी अभी मैंने इसको बेसिकली क्या किया है, ग्लू से चिपकाया, बट बिकॉज इसकी जो स्क्रीन थी और ये काफ़ी चीज़ें जो है निकल चुकी थी, तो फिर आई डिसाइडेड कि मेरा फ्रेंड गया था US तो वहाँ से मंगा लूँ। ये भी अच्छा चलता है भाई, देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बैटरी बैकअप बस इसका कन्फर्म हो चुका है 3 साल के बाद, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग एवरीवन, जिन्होंने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, जिससे कि क्या होता है जब आप बेल आइकन दबाते हो तो आपको जो है आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल द टाइम गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन।